स्वागतम। आज हम आपको संस्कृत आवाज से सप्तमा पाठ का पूर्णाभ्यास कराएंगे। देखिए वृक्ष उपयोगिता, वृक्ष की उपयोगिता। अयम वृक्षा अस्ति एषा बीजा भवति अस्य लघु रूपं पादपा भवति अयम पादपा एव वृक्षस्य रूपं धारयति। मृत्तिका जलं वायु सूर्य प्रकाशा उष्मा च एनम पोषयन् खगा अस्य शाखासु वसन्ति पूजन्ति च वानरा चक्रोड़ा चापि वृक्षे सन्ति बहवा कीट पतंगा अपि अस्य पत्रेषु निवासं कुर्वन्ति। वृक्षा जनेभ्यः पुष्पाणि फलानि शाकानि च यच्छन्ति। वृक्षेण विना वायु प्रदूषिता भवति एषा प्रदूषितं वायु शुद्धं करोति अस्य कुलानि जल संग्रहणं कुर्वन्ति। पर्वतेषु एतेन भूमि संरक्षणं भवति। ग्रीष्मकाले अस्य छायायां पथिका विश्रामं कुर्वन्ति। शुष्क वृक्षा अपि उपयोगिना भवन्ति। तक्षका शुष्क वृक्षस्य काष्ठे अनेकानि वस्तूनि रचयन्ति। यदि वृक्षा न सन्ति तैः जीवनम् अपि न भवति। अतः वृक्षारोपणं सर्वेषां कर्तव्यम्। अब इसका हिंदी रूपांतर देखिए। अयम वृक्षा अस्ति यह वृक्ष है ऐसा बीजा भवति इससे बीज उत्पन्न होते हैं। अस्य लघु रूपं पादपा भवति इसका छोटा रूप पौधा होता है। अयम पादपा एव वृक्षस्य रूपं धारयति यह पौधा ही पेड़ का रूप धारण करता है। मृत्तिका जलम मिट्टी जल वायु सूर्य का प्रकाश और उष्मा इसको पालती है। खगा अस्य शाखासु वसन्ति पूजन्ति च पक्षी इसकी शाखाओं पर रहते हैं और पूजते हैं। आगे देखिए बानरा चक्रोड़ा चा अपि वृक्षे सन्ति। बानरा बंदर चक्रोड़ा गिलहरी चा अपि वृक्षे सन्ति भी पेड़ पर रहते हैं। बहवा कीट पतंगा अपि अस्य पत्रेषु निवासं कुर्वन्ति। बहवा अनेक कीट पतंगे भी इन के पत्तों पर निवास करते हैं। वृक्षा जनेभ्यः पुष्पाणि फलानि शाकानि च यच्छति। पेड़ मनुष्यों को पुष्प फल और सब्जियां देते हैं। वृक्षेण विना वायु प्रदूषिता भवति पेड़ के बिना वायु प्रदूषित होती है। ऐसा प्रदूषितम वायु शुद्धम करोति यह प्रदूषित वायु को शुद्ध करते हैं। अस्य मूलानि जल संग्रहणं कुर्वन्ति इसकी जड़ें जल को सोखती हैं या जल संग्रह करती हैं। पर्वतेषु एतेन भूमि संरक्षणं भवति पर्वतों पर इससे भूमि संरक्षण होता है। ग्रीष्मकाले अस्य छायायां पथिका विश्रामं कुर्वन्ति गर्मी के समय इसकी छाया में रास्ता भी विश्राम करते हैं। शुष्क वृक्षा अपि उपयोगिना भवन्ति सूखे पेड़ भी उपयोगी होते हैं। तक्षका बढ़ई सूखे पेड़ों की लकड़ी से अनेकों वस्तुएं रचते हैं। यदि वृक्षा न सन्ति यदि पेड़ नहीं होते तय जीवनम अपि न भवति तो हमारा जीवन भी नहीं होता। अतः वृक्षारोपणम सर्वेषां कर्तव्यम अस्ति इसलिए वृक्षारोपण सभी को करना है। सूक्ति है न वित्ते तर्पणयो मनुष्यः धन से मनुष्य को कभी संतुष्टि नहीं होती। होमवर्क में लर्न हिंदी अनुवाद दैट्स ऑल।